राज्य के संविदा कर्मचारी सोमवार से नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिवसीय धरने पर चले गए हैं। धरने में विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हड़ताल कर रहे हैं। बता दें, ये सभी संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 16 से 20 जनवरी तक हड़ताल पर है। मंगलवार को हड़ताल का दूसरा दिन था, जिसमें बड़ी संख्या में बूढ़ा तालाब धरनास्थल में संविदा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। धरने में विभिन्न सरकारी विभागों में सेवा दे रहे संविदा अधिकारी कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरनास्थल में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे संविदा कर्मियों अधिकारियों का कहना है, 4 साल से सरकार संविदा अनियमित कर्मचारियों को सिर्फ धोखा देती आ रही है। न तो 1 रुपये वेतन बढ़ा और न ही इसके लिए बनी कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इससे प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। आप देख रहे हैं और हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण। सरकार, कांग्रेस सरकार जब बनी थी तब उन्होंने यही वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को नियमितीकरण किया जाएगा करके, उसी के रहते हुए हमने उन्हें वोट दिया है और आज वो हमारे साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसलिए हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण, नियमितीकरण, नियमितीकरण। झूठी सरकार है, उन्होंने हमसे वोट लिया, हमें वादे हमारे से वादा किया गया, घोषणा पत्र में उनके द्वारा यही लिखित में दिया गया है, उसी के आधार पर हमने ये आज बीच बीच में 4 साल से उनके द्वारा आने के बाद भी हमारे तरफ किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया है। हम लोग 5 दिन से नहीं, 2012 से हम लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। हर बार ये मांग करते हैं कि हमें नियमित किया जाए, परंतु अभी तक नियमितीकरण हम लोगों को नहीं मिला है। और अभी चूँकि विधानसभा बजट सत्र भी है और ये 4 साल कंप्लीट होकर अब चुनाव वाला समय भी है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस वर्ष हम लोगों का नियमितीकरण हो जाए और जितनी जल्दी, मतलब 26 जनवरी तक हम लोग को ये आश्वासन मिले कि आश्वासन नहीं, पूरा नियमितीकरण का आदेश सभी हमें प्राप्त हो, हमें नियमित किया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो 26 जनवरी के बाद 30 जनवरी से फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।